आ जाएगा ना वो? हाँ अभी सर बोलेंगे इसे भेजूंगा। अच्छा ओके ठीक है, रोलिंग। हाँ किस रोलिंग एक्शन नहीं, तू रहने दे यार, तू नहीं सुन रहा। नाटक मत बोलो अभी, अगर तेरा हाथ तू लेमन चूस ले, जैसे तैसे चल पा रहा हूं। एक्शन एक्शन ओके कट। हेलो जी, एक्चुअल नेम मेरा साहेबदास मानिकपुरी है, कैरेक्टर नेम है खिलौनी और मैं साजन का बेस्ट फ्रेंड हूँ, है ना। शो का नाम है मे आई कम मैडम, लाइफ के चैनल पे मंडे टू फ्राइडे 9:30 बजे। अच्छा सीन ऐसा है भाई कि हाँ, जो मेरे प्रिय मित्र है साजन, मतलब संदीप आनंद जी, वो हर स्टोरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में फंसता ही रहता है। ओके, कांड तो वो करता है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने मेरे पास आता है, मुझसे आइडिया पूछता है और मैं बताता हूँ। जैसे कि हमारे एपिसोड चल रही है रजनीकांत वाला, है ना, ये मैडम सामने झूठ बोल देते हैं कि रजनीकांत से मेरा पहचान है, मैं जानता हूँ, बट एक्चुअली जानता नहीं है लेकिन बोल दिया।
तो वो आके फंस गया, तो हमने इधर उधर से जुगाड़ के, मतलब जो अन्ना होता है ना इडली बेचने वाला, उसको पकड़ लिया और उसको रजनी बना दिए और ये आइडिया मेरा ही था। आप किस तरह के आइडिया दे रहे थे आप सारे? मैं ना आइडिया तो सीरियसली आइडिया देता हूँ, ये बात अलग है कि मतलब वो मजाक में हो जाता है या तो फिर मेरा आइडिया काम नहीं करता, लेकिन मैं अपनी तरफ से सीरियसली देता हूँ, सिचुएशन के हिसाब से देता हूँ। जैसे कि अभी हुआ है कि बोले यार कि मेरी हालत ख़राब हो गई यार, हड्डी पसीख हो गया यार, तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मार मुरा तो नहीं दिया। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो कुछ उल्टा ही बताया, बोले यार कि मेरी वाइफ ने उठ के बस सुबह मुझे बोले कि एक्सरसाइज कर तो ही नाश्ता मिलेगा, है ना। सासू माँ बोले कि नहीं तुम बहुत आलसी हो गए, जाओ जरा चक्कर मारो, है ना। तो उस टाइप का वो प्रॉब्लम लेके आया। मैं बोला यार कमाल है यार, तो फिर मेरा दोस्त उनको बचाना जरूरी है, तो फिर मैंने उनको आइडिया दिया कि डू वन थिंग, आप एक काम करो लूला बन जाओ, जब बेटा तेरा हाथ फ्रैक्चर आएगा ना एक्सरसाइज होगी ना कुछ, तू तो बच जाएगा। ऑडियंस के बारे में? किन के बारे में? ऑडियंस के बारे में। ऑडियंस, अरे ऑडियंस भाई मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और ऑडियंस हमारे लिए भगवान है, एंड टच हुड माता रानी का आशीर्वाद है, शो इज गोइंग ऑन ओके और बेहतरीन चल रहा है, और मेरे पास इतने कमेंट्स आते हैं ना, और लोग सबसे पहला शब्द पता है क्या बोलता है, हेलो मैं आपका शो देखता हूँ और आपको वो बोलता है ना लेमन चूस ले तो मैं बोलता हूँ यार हाँ यार लेमन चूस ले बोलता है यार, ऐसा करके तो अच्छा लगता है, बेहतरीन चलो इस बहाने, लेकिन लोग पसंद कर रहे हैं, टच हुड आगे और चलता रहेगा। थैंक यू सो मच, लव यू।